आप सुन रहे हैं The 90s Show with Annu Malik, सिर्फ Big FM पर. मध्यम आग में लगाने आ गया हूँ चिंगारी, अब है मेरी बारी यानी कि द 90s Show विद अनु मलिक only on Big FM. मेरा दिल तुम नन्ना तोड़ो. अरे ये गोविंदा डेविड धवन का टिपिकल 90s वाला गाना है मेरे भाई. गोविंदा का उस वक्त अपना ही अलग अंदाज था. ऐसी ही एक फिल्म थी बाबा राजा बाबू, कंप्लीट सुपर हिट एंटरटेनमेंट, फुल पैसा डबल वसूल. 1994 की ये फिल्म धमाल थी. इसने गोविंदा के कैरियर ग्राफ और फैन फॉलोइंग को टॉप पर पहुंचा दिया. इसलिए आज के शो का मैंने राजा बाबू से शुभ आरंभ किया. चौधरी साहब, ये आपका बेटा है? वकील है? नहीं. तो फिर डॉक्टर होगा? नहीं. पुलिस इंस्पेक्टर है? नहीं. तो फिर ये कौन है? सिर्फ अपनी माँ का बेटा है. बंदो, सबका बंदो. राजा बाबू कहाँ तक पड़े हैं? पांचवी में 5 बार फेल. मगर पसंद आने और शादी के कार्ड बजाने के बाद सिर्फ इस बात का पता चले कि वो अनपढ़ है इसलिए शादी से इनकार कर देना, ये बात तो गलत है. राजा बाबू यानी गोविंदा का कैरियर इस फिल्म के बाद टॉप पर था. फिल्में लगातार जबरदस्त हिट हो रही थी, धनाधन धनाधन. सुबह से शाम तक शूटिंग, प्रोड्यूसर्स का आना, डायरेक्टर्स का आना, मिलना जुलना. फिल्मिस्तान स्टूडियो में मनी है तो हनी है का लगा हुआ था जबरदस्त सेट, और साल था 2008. अब क्या होता है अमूमन जब शूटिंग होती है ना, बहुत से लोग आते हैं. अच्छा, स्टार भी जो होते हैं खोए रहते हैं अपने स्क्रिप्ट के अंदर, डायलॉग्स पढ़ते रहते हैं, और वहाँ कोई आता है, सर एक सेल्फी ले लो, सर एक फोटोग्राफ दे दो, सर हमें ये दे दो, ये सर तो कंधे पर हाथ रख लो सर. अब क्या गोविंदा शायद खोए होंगे अपने दिमाग में. एक तो MP वहाँ से कुछ लोग मिलने आ गए थे कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करने के लिए, यहाँ शॉट देना है, बोला किसी असिस्टेंट ने, बोला आइए सर शॉट तैयार है, वहाँ वो डायलॉग सीख रहे हैं. इस हड़बड़ में एक फैन आया और पीछे पड़ गया, सर मुझे ऑटोग्राफ चाहिए, सर मुझे आपसे बात करनी है, ये है वो है. अचानक गोविंदा को पता नहीं क्यों जबरदस्त गुस्सा आ गया. फैंस तो होते हैं, फैंस प्यार करते हैं आपको, आपके पांव छूना चाहते हैं, आपको गले लगना चाहते हैं, आपका हाथ मिलाना चाहते हैं, आपको अपना संतुलन खोना नहीं चाहिए. लेकिन गोविंदा भड़क गए, उन्होंने उस फैन पर उठा दिया जबरदस्त हाथ, और फैन को चुभ गई बात. सबके सामने पड़ा तमाचा. फैन 6 साल तक सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, आखिर में गोविंदा को झुकना ही पड़ा. कोर्ट के ऑर्डर पर उन्होंने फैन से माफी मांगी इन राइटिंग कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई, मुझे आप पर हाथ नहीं उठाना था. 5 लाख कॉम्पनसेशन भी दिया, और इस तरह खत्म हुई फाइटिंग. यानी कि देखिए साहब, 1 मिनट के लिए वो फैन से हाथ मिला लेते, फोटोग्राफ दे देते, या मुड़कर चले जाते, मैं अभी आता हूं, पर गुस्सा नहीं होते, फैन पर हाथ नहीं उठाते, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता. मैं समझता हूं फैंस बहुत प्यार करते हैं, और फैंस की वजह से हम हैं. आज अगर अनु मलिक है तो इन लाख जनता में जो फैंस है ना, वो हमें बनाते हैं फैंस, वो हमें बनाते हैं स्टार. आपने सोचा हो ना सोचा हो, मैं जरूर सोचता हूँ कि डेविड धवन कैसा नाम है. डेविड धवन, यानी कि डेविड नाम बड़ा इंग्लिश नेम है, डेविड धवन अपना हिंदुस्तानी नाम है. अरे धवन साहब की हाल है, अब ये डेविड धवन कैसे बना? इस नेम और सरनेम का तो कोई मेल ही नहीं है. क्रिश्चियन नेम और पंजाबी सरनेम, बड़ा जबरदस्त कंफ्यूजन है भाई. तो चलो इस कंफ्यूजन को करता हूं दूर, और बताता हूं इसमें एक पंजाबी और क्रिश्चियन नाम का मिक्सचर कैसे हुआ. हुजूर, डेविड का असली नाम था रजिंदर. ओए रजिंदर, कितने है तू? ओए मेरे फ्रेंड, ओए मेरी जान रजिंदर, यानी रजिंदर धवन. एक्टर अनिल धवन उनके बड़े भाई हैं. अनिल और राजेंद्र के फादर मदन लाल धवन साहब जब यूको बैंक में मैनेजर थे और अगरतारा में पोस्टेड थे, तब राजेंद्र वहां पैदा हुए. उनके पड़ोस में एक क्रिश्चियन फैमिली रहती थी जो राजेंद्र को प्यार से डेविड कहती थी, बस प्यार से, हेलो डेविड, कम हियर डेविड. अब जो राजेंद्र थे छोटे थे, वहां जाया करते थे, बैठते थे क्रिश्चियन फैमिली घर में, वो उनको डेविड डेविड बोलते थे. धीरे धीरे राजेंद्र का निकनेम डेविड पड़ गया, यानी कि प्यार से हम बोलते हैं ना, अब डेविड नाम इतना पड़ गया कि दोस्त भी डेविड बोलने लग गए. और जब धवन फैमिली अगरतला से कानपुर शिफ्ट हो गई, तो मदनलाल जी ने राजेंद्र से पूछकर उनका नाम ऑफिशियल नाम ही डेविड कर दिया. बड़े ही फ्यूचरिस्टिक, बड़े ही प्यारे इंसान थे मदनलाल धवन साहब. उन्होंने बोल दिया इसका नाम ही रख दो डेविड धवन, डी फॉर डेविड और डी फॉर धवन. इनको अच्छा लगा, राइम हो रहा था. तो राजेंद्र धवन साहब
को डेविड धवन बनाने वाली क्रिश्चियन फैमिली का बड़ा हाथ है। डेविड धवन, तेरे काम को सलाम। अन्नू मलिक की तू है जान। कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि आपको आपके अपनों से भी दूर जाना पड़ता है। ऐसा ही एक वक्त आया गोविंदा और डेविड के बीच। कितना काम किया दोनों ने साथ में, कितनी सुपरहिट जोड़ी मानी जाती थी, क्या सुपर ड्यूपर हिट फिल्में दी। आपको याद होगा हीरो नंबर वन राजा बाबू, कितने फिल्मों के नाम गिनूं, सब सुपरहिट। इंडस्ट्री में सबका टाइम ऊपर नीचे होता है भाई, तो गोविंदा का थोड़ा लो फेस चल रहा था। एक तो काम नहीं आ रहा था और दूसरा दोस्त यार भी साथ कोई दे नहीं रहा था। चारों तरफ से दरवाजे बंद थे, ये मैंने भी बहुत दिन देखे हैं भैया। पहले सबके दरवाजे खुल जाते थे, अब तो फोन करो साहब बाथरूम में है, साहब लंदन गए। मैंने इतने बार ये लंदन नाम सुना है और इतना बार बाथरूम सुना है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। क्या करूं भैया, ये इंडस्ट्री ऐसी है, जितना प्यार देती है कभी रूठ भी जाती है। अब अनफॉर्चुनेटली उस वक्त डेविड कुछ और चीजें कर रहे थे, कॉन्सेंट्रेशन कहीं और चला गया था। यहाँ डेविड बात नहीं कर रहे थे गोविंदा से क्योंकि कुछ और कर रहे थे, लेकिन गोविंदा को लगा यार मेरा टाइम खराब है और गोविंद और डेविड मुझे मेरा साथ नहीं दे रहा, डेविड मुझसे बात नहीं कर रहा। एक्चुअली ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी फ्रॉम गोविंदा पॉइंट ऑफ व्यू। डेविड अपने काम में लगे थे, उनके बच्चे बड़े हो रहे थे रोहित और वरुण, वो चाह रहे थे उनको एस्टैब्लिश किया जाए। गोविंदा का लो फेस चल रहा था, गोविंदा को लगा यार डेविड मुझे भूल गया, डेविड मेरा फोन नहीं उठाता, डेविड मुझसे बात नहीं करता। ये आइडिया क्यों दिमाग में आ गया पता नहीं, और ये चीज तब और भी गोविंदा को पिंच कर गई जब उन्हें पता चला कि फिल्म चश्मे बद्दूर का रिमेक हो रहा है। जो आइडिया उन्होंने दिया था उस पर डेविड ने फिल्म बनाई, मगर गोविंदा की जगह ऋषि कपूर को ले लिया। अब डायरेक्टर चाहता कि राइट कास्टिंग हो, लेकिन उनको पिंच हो गई यार आइडिया हमारा था, हमें होना था इस फिल्म में। खबरें ऐसी भी आई कि गोविंदा ने रिक्वेस्ट की कम से कम यार गेस्ट अपीयरेंस तो दे दो, मगर डेविड ने उन्हें चांस नहीं दिया। अब ये सही खबर है कि झूठ खबर है मुझे पता नहीं। और फिर एक बात से 10 बातें बनी और सुनने में आया कि डेविड के बेटे वरुण को जब लोग नेक्स्ट गोविंदा कहने लगे, कहां से ये बात आई मुझे पता नहीं, लेकिन उनको चुप गई, बोला नेक्स्ट गोविंदा क्या, एक ही गोविंदा है। ना सिर्फ दोनों की दोस्ती में अब दरार आई, बल्कि दोनों ने एक दूसरे के साथ काम नहीं करने का फैसला तक कर लिया। बोला यार मैं तेरे साथ काम नहीं करूंगा, तो डेविड ने बोला कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी जल्दी दूर हो जाए अच्छा है, क्योंकि डेविड और गोविंदा अगर आज भी आए ना तो सुपर ड्यूपर हिट धमाल फिल्म दे सकते हैं। हाँ, मगर एक शर्त है, म्यूजिक अन्नू मलिक का होना चाहिए। और हम वरुण को बोलेंगे वरुण इसमें तू भी आ जा। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अ वेरी अनफॉर्चुनेट मिसअंडरस्टैंडिंग, एंड आई विश इट गेट्स रिजॉल्व्ड वेरी फास्ट। और अब बारी है बिग एफएम पर उस म्यूजिक की जिसको हम कहते हैं हैशटैग म्यूजिक वी लव। हैशटैग म्यूजिक वी लव, म्यूजिक वी लव। आज का प्यार भरा गाना है फिल्म फिजा का। आ धूप मलूं तेरे हाथों में, आ सजदा करूं तेरे हाथों में, सुबह की मेहंदी झलक रही है, आजा माहिया आजा माहिया। गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना, जी हाँ मैंने ही गाना इसको बनाया, इसकी तर्ज मैंने ही बनाई है। फिल्म थी फिजा, उसके डायरेक्टर थे खालिद मोहम्मद साहब और प्रोड्यूसर प्रदीप गुहा जी। इन सब को मैं कैसे भूल सकता हूँ। और पहले तो मैं सुनाना चाहता हूँ आपको ये गाना और ट्रिविया भी सुनाता हूँ इस गाने का, सुनिए। आ धूप मलूं मैं तेरे हाथों में, आ सजदा करूं मैं तेरे हाथों में, ओ सुबह की मेहंदी छलक रही है, आजा आजा माहिया, ओ आजा माहिया, आजा माही मेरे, आजा माही मेरे, आजा माही मेरे आ। हुजूर मैं बताना चाहता हूँ इस गाने के बारे में। ये गाना गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना और मेरे फेवरेट राइटर थे, हैं और गुलजार साहब रहेंगे। उनके बोलों का अंदाज, उनका स्टाइल हद है। इसका मैं अंतरा के कुछ बोल बताता हूँ आपको। अंतरा देखो क्या लिखा है जो मैंने आप ट्यून बनाया। एक नूर से आंखें चौक गईं, देखा जो तुझे आईने में, आजा माहिया आजा माहिया, लाल हो जब ये शाम किनारा, ओढ़ा देना सर पे सारा, आजा माहिया चल रोक ले, सूरज छुप जाएगा, पानी में गिर के बुझ जाएगा। आय हाय, जब मैंने ये लाइनें सुनी गुलजार साहब की, आप मानोगे नहीं, बहुत देर तक मैं सोचता रहा कि मैं क्या बनाऊं। ये गाना खालिद मोहम्मद साहब बैठे हुए थे वहाँ, गुलजार अंकल ये लिखते जा रहे थे, मैं उनका चेहरा देखता जा रहा था। गुलजार अंकल ना जाने कब बैठ के काम करते थे, क्या उनका स्टाइल है मुझे पता नहीं, मुझे लिखवाते जा रहे थे, मैं लिखता जा रहा था और उनको लिखते लिखते उनको देखता जा रहा था। और आप मानोगे नहीं, लिखते लिखते क्योंकि इतनी खूबसूरत लाइनें थी, बोलों के साथ मेरी तर्ज बनती गई, आजा माही मेरे आजा माही मेरे आजा माही मेरे आ। और मैं अपने बाजे पर खाली चुटकियां बजाते जा रहा था, गाते गाते टक
तो गुलजार साहब ने देखा, बोले तुम क्या कर रहे हो? मैं बोले एक हुक लाइन में गा रहा हूँ, अगर आपकी इजाजत तो वो लगाओ। आ जमा ही मेरे आ जमा ही मेरे आ जमा ही मेरे आ टुंग 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 टुंग। और कुछ नहीं बोले गुलजार साहब, बोला आगे क्या है? मैंने ऐसे ही गाया, ओ सुबह की मेहंदी छलक रही है आजा आजा के साथ, मैंने आजा माइया ऐसे गाया। तो ये गुलजार साहब ने कहा, ये इतनी रोमांटिक ट्यून तुमने बनाई है, तो री 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 दर जगह कमाल है। और गाना भी मैंने यहीं से शुरू किया, आ धूप बोलू से मैंने गाना शुरू नहीं किया। तो हर चीज़ सही बैठ गई, राइटिंग, ट्यून, सिंगिंग। और अगेन जैसे कुमार शानू अलका याग्निक ने 90s में मेरा बड़ा साथ दिया, उसी तरह उदित नारायण और अलका याग्निक जी ने बड़ा साथ दिया। क्या दोनों ने मिलकर ये गाना गाया, मिसिंग मिसिंग पोस्टर पोस्टर। तो मिसिंग पोस्टर का पहला क्लू है, उस प्लेबैक सिंगर का नाम बताइए जिसने जैकी श्रॉफ, किसका, जैकी श्रॉफ का गाना गाया था, सुन ओ हसीना काजल वाली, मेरा तुझको पता ना दिलदार मैं आवारा एक बंजारा। कौन था वो सिंगर? 90s की स्पॉटलाइट। और आज 90s की स्पॉटलाइट पड़ रही है उन वीडियो गेम्स पर जिनके शौकी 90s में बच्चे बड़े सभी थे। इन वीडियो गेम्स की दुकानें होती थी जहां जाकर बच्चे और बड़े पर आर के हिसाब से पैसा देकर खेला करते थे। वो मारियो, कॉन्ट्रा, पता नहीं क्या क्या नाम थे उन गेम्स के यार, मारियो, अब मुझे नाम वो याद नहीं आ रहे, लेकिन जब वो नाम मैं सुनता था तो हंसी आती थी। इन गेम्स के कैसेट आते थे और इन गेम्स को खेलने के लिए वायर वाले रिमोट भी होते थे जिनमें लेफ्ट राइट अप डाउन के बटन होते थे, याद होगा, अलग अलग रंगीन कलर के बटन होते थे जिन्हें हम एक्चुअली अंगूठे से कंट्रोल करते थे, टक 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 टक। जैसे ही गेम नेक्स्ट लेवल पर जाता था वैसे ही गेम की स्पीड और साथ में हमारी हार्टबीट भी बढ़ जाती थी कि यार अब आगे क्या होगा, यार आगे क्या होगा। इन्हीं रिमोट्स को हम दोनों हाथों में पकड़कर फायरिंग गेम करते थे, याद है, रेसिंग गेम, फायरिंग गेम। आप किसी भी होटल में चले जाते थे, खास करके आउटडोर, मुंबई से थोड़ा दूर, वहां तो ये गेम्स इतने होते थे और आप पैसा लगाते थे, पैसा लेकर उस गेम में डालते थे और फायरिंग गेम चल रही, कार रेसिंग भी होती थी याद है, उसमें गाड़ियां जा रही हैं, इधर से उधर क्रैश हो रहे हैं, एक्शन गेम्स होते थे। क्या खेला होता था यार, क्या मजेदार जमाना था, क्या गेम्स होते थे। सिंपल गेम्स लगते हैं आजकल, जब भी आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है तो वो गेम्स बहुत याद आते हैं, लेकिन अब पछताकर क्या रोना, क्योंकि अब तो हो गए ना मिस, मिस हो गए ना भाई, मिस ना, आप समझ गए मिस। अरे मिस लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, मिस यानी उन गेम्स की, उन 90 शो के जमाने की, और हमारे मिसिंग पोस्टर सिंगर की बात कर रहे हैं ना मेरे भाई। नोट कीजिए दूसरा क्लू कि वो सिंगर सरनेम से बंगाली थे और फर्स्ट नेम से खुश मिजाज, तो समझे कुछ नहीं समझे, टिप अन्नू, तो फटाफट 5545454 मिस कॉल करो या मैसेज भेजो, तो देखते हैं कौन बनता है आज का लकी कॉलर। हेलो हेलो हेलो, देखो देखो देखो, ये मिल गया हमें अपना लकी कॉलर। हेलो, मैं अन्नू मलिक बोल रहा हूँ 92.7 बिग एफएम से, आप लकी कॉलर हैं आज के। क्या गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्रीकांत इंडे सर। श्रीकांत जी सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं देखो ये जानना चाहता हूँ कि सर आपको संडे से आते हैं इस गाना ने आपने बहुत लोगों का एंटरटेनमेंट किया है, बॉर्डर फिल्म का जो आपका जी, गाना जी, था। जी जी जी, कभी कभी मैं अकेला जब भी बैठता हूँ मेरे सोच में आता है कि सर इस गाने को फिल्म फेयर अवार्ड क्यों नहीं मिला। ये तो मैं भी आज तक सोचता हूँ, मगर मैं बताना चाहता हूँ सबसे बड़ा अवार्ड मुझे किसका मिला, आपका, पब्लिक का, आपका। अभी आपने ये सवाल किया तो ये पुरस्कार ही तो हुआ कि आपको याद है कि अन्नू मलिक ने इतना अच्छा म्यूजिक बनाया था, लेकिन क्या हुआ, मैंने बहुत दिल से काम किया था इस पिक्चर में हमारे वीर जवानों के लिए, और मुझे सबसे बड़ा पुरस्कार ये है कि आज भी 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो या कोई कोई भी अवसर हो, ये गाना जरूर बजता है और मुझे बहुत जरूर बनता है। सर हमारे लाइफ में आपका बहुत ही बड़ा रोल है सर, हमारा एंटरटेनमेंट आप करते हो, आपका शो जो बिग एफएम पर चलता है ना सर, मैं हर दिन सुनता हूँ, फेब्रुआरी से चल रहा है ना, जो बहुत ही बढ़िया सर। आपका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि मैं समझता हूँ इससे बड़ा पुरस्कार क्या हो सकता है कि आपका प्यार मिल रहा है। मुझे इतना बताइए आप करते क्या हो? हाँ सर मैं फार्मर हूँ सर, आपका फार्मर और स्टूडेंट भी हूँ मैं सर, खेती बाड़ी करता हूँ। तो सबसे पहले मेरा प्रणाम आपको, आप एक किसान है तो वो जो स्लोगन है कि जय जवान और जय किसान, मैं इन दोनों को भगवान समझता हूँ।
आप लोग को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। आप जैसे लोग हम सबसे बड़े हैं। मैं तो किसान को बहुत मानता हूँ, बल्कि मैं बताना चाहता हूँ मैं फिलहाल एक मराठी फिल्म भी कर रहा हूँ जो किसान पर बन रही है। अच्छा, उसका संगीत मैं दे रहा हूँ। और आपने जो सवाल किया कि मुझे अवार्ड नहीं मिला, वाकई मुझे दुख हुआ था। मेरी दो फिल्में थी, बॉर्डर भी थी और विरासत भी थी, दोनों फिल्मों को नॉमिनेशन मिले। कभी कभी मेरे को आज मैं बहुत भाग्यवान हूँ सर कि आपके आपके साथ मेरा आज बातचीत हुआ, मेरे जिंदगी में से मेमोरेबल टाइम है सर। आप इतने बड़े एंटरटेनमेंट में मुझसे बात कर रहे हैं, आज 130 करोड़ जनता में से मेरे को आपने चुना। मैं दिल से बोलता हूँ श्रीकांत, दिल से बोलता हूँ मैं खुश नसीब हूँ कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक किसान हो और मैं किसान को प्रणाम करता हूँ। आपका फेवरेट गाना कौन सा है श्रीकांत? मैं बजाऊंगा। आज हमने दिल का अरे हर किस्सा तमाम कर दिया। फिल्म सर का गाना ये है, ये मेरा ही गाना है, ये मैंने ही गाना बनाया। आज हमने दिल का हर किस्सा तमाम कर दिया, खुद भी पागल हो गई, तुमको भी पागल कर दिया। आज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए गाना बजाऊंगा। ओके ओके, गॉड ब्लेस यू श्रीकांत। तो भैया टिप अनु तो जाला, और अब मिसिंग पोस्टर का लास्ट क्लू आला। तो लास्ट क्लू है सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, ये गया यारो इसका लवेरिया हुआ। और वो सिंगर है मैंने बोला ना मुस्कुराता हंसता हुआ जॉली मुखर्जी। जी हाँ, जॉली मुखर्जी 2000 के बाद वो हमारी फिल्मों से लगभग खो गए और इसी वजह से हमारे मिसिंग पोस्टर हो गए। और अब अन्नु मलिक करेगा बाय बाय अपनी यूनिक और ताजा ताजा इंस्टा शायरी के साथ। तो पेश है आज की इंस्टा शायरी। इंस्टा शायरी, शायरी। सुनिए साहब कि मैं सोच रहा हूँ कि क्या बोलूं, आज इतनी बातें की हैं लेकिन ये बात आ गई, एंटरटेनमेंट के मौसम में ना सर्दी होती है ना खांसी ना मलेरिया। एंटरटेनमेंट के मौसम में ना सर्दी होती है ना खांसी ना मलेरिया, 90s विद अन्नू मलिक सुनकर सिर्फ होता है लवेरिया लवेरिया लवेरिया। गुड नाइट, सी यू टुमारो एंड हैव अ ग्रेट जर्नी बैक।